नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। सर्वप्रथम जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि अभी दिवाली के जस्ट बाद आपका यूपीएसआई जो बहुप्रतीक्षित आपका एग्जाम का डेट था वो क्लियर कर दिया गया है, और इस बार स्पष्ट रूप से आयोग द्वारा क्लियर कर दिया गया है। इससे पहले एक कटिंग आई थी जिसे आप लोग फेक फेक बोल रहे थे, लेकिन वो इसी के संबंध में थी। आज वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुकी है और उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कि जितने भी आपके ये पद हैं इसकी जो डेट है वो आपकी 12 तारीख से 12 नवंबर से आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि उपयुक्त भर्ती हित ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBTT मोड में होगा, मतलब कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, और फिर 12/11/2021 से 2/12/2021 तक होगा, मतलब कि नवंबर मिड नवंबर से लेके आपका दिसंबर तक जाएगा और 2 दिसंबर तक जाएगा, और इसके जस्ट बाद ही आपकी ASI की परीक्षा भी आयोजित होनी है। तो ASI वाले दिसंबर के लिए रेडी हो जाए और SI वाले 12 तारीख से ही। दिवाली के बाद मौका नहीं मिलेगा, दिवाली में थोड़ी सी फीकी हो सकती है, फीकी इसलिए हो सकती है कि आपको तैयारियों में और त्यौहार में ज़्यादा मजा नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, एक दिवाली नहीं सही, कुर्बान ही सही, आपको पढ़ाई यहाँ पे करती रहनी है। 3 पालियों में होगा, 1 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का पेपर होना है, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक और 4 बजे से 6 बजे तक होगा। ये 3 फेज में होंगे। पहला फेज 6 दिन का चलेगा जो 12 से 17 नवंबर का चलेगा, 18 को छुट्टी रहेगी, फिर 19 को 24 से लगातार चलेगा, इसके बाद फिर 25 और 26 को छुट्टी रहेगी, और 27 से 2 दिसंबर तक चलेगा, 6 6 दिन का है, और प्रत्येक दिन में ये 3 शिफ्ट रहेंगे, 3 बैचेस रहेंगे, मतलब कि आप बोल सकते हो कि 18 3 54 है ना, 54 आपके टोटल शिफ्ट में पेपर आयोजित होना है, ये आप समझ सकते हो। 3 बैचेस पर डे, नंबर ऑफ डे 6, यानी कि 6 3 18 और 18 18 18, ऐसे आप समझ सकते हो। कोई समस्या अगर किसी को मान लो कोई होता ही है, आयोग करवा रहा है ना, तो कहीं पेपर आउट का सीन आता है या कोई टेक्निकल समस्या होती है, तो ऐसे लोगों का 3 दिसंबर को दोबारा से पेपर क्या होगा, आयोजित करवाई जाएगी। बाकी सारी चीज़ें नाम मात्र हैं, ये आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में परीक्षा प्लस के दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यही मेन आपकी इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी जो परीक्षा है वो 12 से 2 में लगी हुई है। नवंबर महीना आपके लिए केवल परीक्षाओं का है, एकदम जितनी भी आपकी तैयारी है मैक्सिमम आप उसे रिवाइज करना शुरू कर दो, और 12 तारीख से लेके आपका किसी में भी पढ़ सकता है। अभी कब पढ़ रहा है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा, तो ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि जल्दी पढ़ जाए, क्योंकि हमेशा जल्दी शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता ही होता है, इसे कोई हटा नहीं सकता है। दूसरी बात ASI की परीक्षा के लिए, तो जैसे ही 2 दिसंबर को यहाँ पे होगा, सॉरी 8 से 10 दिसंबर तक आपकी परीक्षा ASI की मिनिस्टीरियल की भी वहां पे आयोजित करा ली जाएगी, तो दोनों परीक्षाएं आपकी बैक टू बैक होंगी, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। फिर मिलेंगे हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।